प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 19 और 20 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यहुन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उनके पीछे हो लिए। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने याकूब और यहुन्ना से कहा कि मेरे पीछे हो लो, और उन्होंने अपने पिता को वहीं पर छोड़कर, अपना बिजनेस, अपना कारोबार वहीं पर छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब यहुन्ना को पकड़वाया गया, यहुन्ना जो बपतिस्मा देने वाला यहुन्ना था, उसे जब पकड़वा लिया गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपना सेवा कार्य शुरू किया। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया, और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने पतरस अंद्रियास को बुलाया। जब प्रभु यीशु मसीह ने समोन पतरस और अंद्रियास को देखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बना दूंगा। और फिर यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने याकूब और यहुन्ना को भी इसी प्रकार से बुलाया, और इन सब लोगों ने, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, इन सब ने अपने जालों को वहीं पर छोड़ दिया, अपने नावों को वहीं पर छोड़ दिया, अपने साथ के लोगों को वहीं पर छोड़ दिया, अपने बिजनेस को वहीं पर छोड़ दिया, और पूर्ण समर्पण के साथ में अपना जीवन प्रभु के हाथों में देते हुए वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। हालेलुया। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में देखें, आप यदि किसी व्यक्ति से कहेंगे कि मेरे पीछे हो ले, तो वो कभी भी आपके पीछे नहीं होगा। यदि आप अपने भाई से भी कहेंगे तो भी वो नहीं होगा अपना सब कुछ छोड़कर। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब इन लोगों से कहा, तो इन्होंने उस पर विश्वास करके अपना सब कुछ छोड़ दिया और उसके पीछे चल पड़े। पूर्ण समर्पण इन्होंने यहाँ पर किया। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को अनसुना न किया, इन्होंने प्रभु की बात को अनसुना न किया, बल्कि जब उन्होंने उसकी बात को सुना, तो उन्होंने उस बात पर ध्यान लगाया और उन्होंने उसके पीछे चलना शुरू किया, उसकी बात को उन्होंने मान लिया। उन्होंने फिक्र नहीं की अपने घर वालों की, उन्होंने चिंता नहीं की किसी भी बात की, उन्होंने अपने भविष्य की चिंता नहीं की। उन्होंने अपने भविष्य को, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े, जब उन्होंने एक कदम उठाया, तो उसी से पता चलता है कि उन्होंने अपने भविष्य को, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दिया। किसी भी बात की चिंता न करते हुए उन्होंने नहीं सोचा कि हमारे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे पापा क्या कहेंगे। यहाँ पर उन्होंने अपने पिता को वहीं छोड़ दिया और वो वहाँ से चले गए, उस बिजनेस को छोड़कर चले गए जो पिता का बिजनेस वो कर रहे थे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के चेले बिल्कुल गरीब नहीं थे, बेरोजगार नहीं थे, वो सारे लोग व्यवसाय को करने वाले लोग थे, यानी कि बिजनेस करने वाले लोग थे, और उन्होंने अपना बिजनेस छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। उन्होंने प्रभु की आवाज़ को सुना और अपना समर्पण किया और प्रभु के पीछे चल पड़े बिना किसी बात की चिंता करते हुए। हो सकता है उनके घर वालों ने उन्हें गलत समझा होगा, उनके बारे में भला बुरा कहा होगा कि इन्होंने तो अपना बिजनेस छोड़कर ये फालतू घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। इस प्रकार से उनके जानने वालों ने बातें बनाई होगी, परंतु इन्होंने किसी भी बात की प्रवाह न करते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। और आप जानते हैं प्रभु ने इन्हें क्या रिवॉर्ड दिया। आप जानते हैं बाइबल कहती है कि यही 12 लोग न्याय करेंगे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इन्हें आदर का बर्तन बनाया, परमेश्वर ने इन्हें सिंहासनों पर विराजमान किया है, इन्हें प्रभावशाली बनाया है। और आप जानते हैं इन्हीं लोगों के द्वारा परमेश्वर ने पूरे संसार में अपने नाम को फैलाया और अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। तो दोस्तों, हम देखते हैं जब हम समर्पित होते हैं खुदा के प्रति, तो खुदा हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी भी बात की चिंता न करते हुए अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दें, अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दें, किसी की परवाह न करते हुए अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दें। जब आप इस प्रकार से करेंगे, तो प्रभु आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेंगे, आपको भी प्रभावशाली बनाएंगे, आपके द्वारा भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे, आपको भी परमेश्वर आदर का बर्तन बनाएगा। यदि आप परमेश्वर की आवाज को आज सुन रहे हैं, तो अपना समर्पण करें
और अपना जीवन प्रभु को दे दें। yes. प्रभु आपके जीवन को सुरक्षित रखेगा। किसी भी बात की चिंता न करें, अपने भविष्य की चिंता न करें। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, yes. कैसी जॉब आप करेंगे, किसी भी बात की चिंता न करें। आपका yes. पालन पोषण कैसे होगा, आपके बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, आपका परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, इन सब बातों को छोड़कर, जिनके लिए आज संसार चिंतित है, उन सब बातों को छोड़कर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना yes. शुरू करें, अपना God. समर्पण करें। और yes. जब आप समर्पण करेंगे, प्रभु आपको उठाएंगे। Hallelujah. प्रभु धूली में से उठाकर राजाओं के yes. संग बिठाता God. है। आपको परमेश्वर आदर का बर्तन बनाएगा। Hallelujah. आपको परमेश्वर प्रभावशाली बनाएगा। yes. आपके जीवन से परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को Hallelujah. करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम पिंकी है और मैं राजस्थान से हूँ। मेरी ये गवाही है कि मेरे बेटे और मेरे पापा को सर्दी जुकाम बुखार थी, और मैंने पिंकी ब्रदर और अमृता सिस्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट डाली व्हाट्सएप पे। उन्होंने मेरे बेटे और मेरे पापा के लिए प्रार्थना की और वो तुरंत ही चंगे हो गए। मेरी दूसरी गवाही ये है कि पिछले एक साल से हमारी बैंक की किस्तें कंटिन्यू नहीं जा पा रही थी, तो मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली थी उसके लिए भी, और ब्रदर और सिस्टर ने उनके लिए भी प्रार्थना की। और पिछले 3 मंथ से हमारी किस्तें कंटिन्यू जा पा रही है। और मेरी एक और गवाही यह है कि हम लोग घर में सब एक साथ मिलकर प्रार्थना सुनते हैं और करते हैं, जिस कारण मेरे पापा की शराब पीना छूट गई है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर और अंजिता सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को बहुतायत से आशीषित करे। आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए। हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना भला और कितना महान परमेश्वर है, जो अपने प्रार्थना करने वालों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है, जैसे कि हमने इस गवाही में सुना। सच में परमेश्वर महान है। आप अपने जीवन में प्रभु को मौका दीजिए कार्य करने का, क्योंकि आपका यीशु जीवित है और परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज की सुंदर सुबह में हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उससे प्रार्थना करें। उससे प्रार्थना आप कीजिए, जो कुछ भी आज आपके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, बीमारियां हैं, वो सब कुछ आज आप सुबह में यीशु के आगे रख दीजिए। यीशु आपकी सुनकर आपको उत्तर देंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर हमारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। सच में प्रभु जी, आपने रात भर संभाल कर रखा और ये नया दिन परमेश्वर हमें दिया। प्रभु, किस नए दिन में परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा को करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। सच में मेरे परमेश्वर, हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं पिता, और तू जीवित है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे खुदावन, हम आभारी धन्यवादी हैं प्रभु जी। हम हृदय की गहराइयों से धन्यवादी हैं प्रभु। लॉर्ड, आज की इस सुंदर सुबह में एक एक जन जो तेरे नाम को सुन रहा है, जो तेरे नाम पर भरोसा करता है प्रभु, और जो इस सुबह में परमेश्वर तेरी उपस्थिति में बैठा है खुदावन, वो आशीषित हो पिता, वो फलवंत हो प्रभु, वो तेरी उपस्थिति से भर जाए प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, यू आर अ ग्रेट होली एंड होली लॉर्ड फादर, वी प्रेज योर नेम, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस, बिकॉज यू आर द Holy Lord, you are a gentle Lord, you are our Savior Lord Jesus. Thank you Father. धन्यवाद करते प्रभु, तो हमारा उद्धार करने वाला, हमें बचाने वाला, हमारे जीवन का प्रभु है पिता। तूने हमें बुलाया है प्रभु, तूने हमें चुना है परमेश्वर, हमारे नाम लेकर आप हमें जानते हैं, आपने हमें बुलाया है। तू अपनी भेड़ों को आवाज लगाता, तेरी भेड़ तेरे शब्दों को सुनती है परमेश्वर। थैंक यू फादर, मेरे प्रभु, सच में मेरे पिता परमेश्वर, कि हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि तू हमारी ओर दृष्टि करे, परंतु प्रभु तेरा धन्यवाद कि प्रभु तूने हमारी ओर दृष्टि की और अपना बेटा और अपनी बेटी हमें बनाकर हमें अपने स्वर्ग का अधिकारी बना दिया प्रभु। हम सबको तूने बुलाहट दी, और धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमारे आत्मिक कानों को खोला, कि हमने तेरी उस बुलाहट को सुना परमेश्वर पिता। लॉर्ड, आज की सुंदर सुबह में हम चाहते प्रभु अपने बेटे बेटियों को ब्लेस करें, उनसे बातचीत करें परमेश्वर। आज वो जिस भी निवेदन को लेकर, जिस भी प्रॉब्लम को
लेकर आपके समीप आए हैं यीशु मसीह। आपसे प्रार्थना है परमेश्वर कि आज प्रभु आज वो कोई भी खाली हाथ ना जाए प्रभु, आज कोई भी परमेश्वर उदास निराश हताश ना जाए प्रभु, वरन वो आनंद से भर जाए, वरन वो अपने प्रार्थना का उत्तर तुझसे लेकर जाए और अपने जीवन में उत्साहित होकर जाए। धन्यवाद प्रभु आज की सुबह में प्रभु आपने हमें अपने वचन के द्वारा उत्साहित किया प्रभु। सच में मेरे प्रभु जी तूने प्रभु पिता याकूब और यहुन्ना को, शिमोन अन्द्रियास पत्रस को परमेश्वर तूने बुलाया, उन्होंने तेरी आवाज को सुना प्रभु और तूने कहा मेरे पीछे हो लो। हाँ प्रभु आज ये कॉलिंग प्रभु आपने अपने बेटे बेटियों को दी है और आज प्रभु तेरा धन्यवाद, आज जितने लोग तेरी उपस्थिति में है उन्होंने तेरी कॉलिंग को सुना है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता प्रभु संपूर्ण समर्पण के साथ में परमेश्वर आपके लोग आपकी उपस्थिति में आए प्रभु, ये अपना जीवन तुझे देने वाले हो सके, ये अपना संपूर्ण समर्पण प्रभु तेरे लिए करने वाले हो सके प्रभु जी। ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह मुँह से नहीं परंतु जीवन से प्रभु तुझे समर्पित करे परमेश्वर पिता। आज ही प्रभु हर बात के लिए प्रभु तुझ पर भरोसा करे प्रभु, ये अपने जीवन की चिंता अपने खाने पहनने और रहने की चिंता ना करने पाए प्रभु, ये भरोसा करे उन बातों के लिए जो तू इन्हें देने पर है। तूने वचन में कहा है परमेश्वर पहले तुम मेरे धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ प्रभु आपने अपने पीछे होने के लिए हमें बोला है, आपको जानने के लिए हमें बोला है प्रभु। और हाँ पिता बहुत प्रभु ये भाई ये बहन आपको जान रहे, आपको पहचान गए प्रभु कि तू ही मात्र सच्चा परमेश्वर है प्रभु और जिसके पीछे ये चलते प्रभु। यदि आज ये जॉब के लिए परेशान है, यदि आप घर के लिए परेशान है, लाइफ पार्टनर के लिए परेशान है, बीमारियों में है प्रभु जी, बच्चों के फ्यूचर को लेकर अपने फ्यूचर को लेकर प्रभु और नाना प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम कर्ज है, नाना प्रकार की प्रॉब्लम जो इनके लाइफ में प्रभु, आज वो उन बातों को छोड़कर प्रभु जी संपूर्ण मन से ये तुझ तेरे सम्मुख समर्पण करे प्रभु जी और वही समर्पण इनके जीवन के लिए आशीष का कारण बने परमेश्वर। जैसे कि तूने चेलों को परमेश्वर प्रभु उन चेलों को प्रभु तूने प्रभु जी हम सबका न्याय करने के लिए सिंहासन पर बिठाया है प्रभु, वो मनुष्यों का न्याय करेंगे परमेश्वर। उसी प्रकार यीशु मसीह आप हम सबको भी जिन्होंने तेरे नाम को सुना है, जिन्होंने तेरे नाम पर भरोसा किया है, इन्हें भी आप सम्मानित पद दें, इन्हें भी एक अच्छा जॉब दें, इन्हें भी एक अच्छा जीवन दें, इन्हें भी आप प्रभु संतान की आशीष, जो कुछ भी आज इनके जीवन की वॉन्ट्स हैं, जो भी इनकी नीड्स हैं वो सब कुछ आप पूरा करें लॉर्ड। थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हम सब की विनतियों को सुन लिया। आज प्रभु जितने भाई बहन जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु आप उन्हें बेस्ट जॉब दें, जितने भाई बहन प्रभु अच्छे जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे आप उन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर दें प्रभु जी, जितने भाई बहन अपने घर के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु आप उन्हें अच्छा घर दें, जो संतान के लिए प्रार्थना कर रहे आप उन्हें संतान की आशीष दें, जो अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल होने के लिए प्रार्थना कर रहे आप उन्हें सक्सेसफुल करें, आप इन्हें सेरोमणि ठहराएं, आप इन्हें सक्सेस करें, हर एक असफलताएं हर एक इन्फीरियरिटी यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से चली जाए परमेश्वर पिता। अब प्रार्थना है आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु, आशीषित करें इनके घर परिवार को, इनके बच्चों को, इनके परिवार के हर एक जन को आप आशीषित करें प्रभु जी, इनके द्वारा इनका पूरा घराना तुझ में सेफ होने पाए प्रभु जी। ये प्रभु अपने काम से बढ़कर, अपने परिवार से बढ़कर, अपने लाइफ से बढ़कर प्रभु तुझसे प्रेम करें और पूर्ण समर्पण के साथ में आज की सुबह में तुझे अपना जीवन देने वाले हो सके प्रभु। धन्यवाद इनके सारे काम आज के दिन में सफल हो, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी, इनके बच्चों पर तेरी आशीष हो, इनके बिजनेस पर तेरी आशीष हो, इनके लाइफ पर तेरी आशीष हो प्रभु। धन्यवाद मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुंदर सुबह में प्रभु, जिस काम पर तेरे बेटे बेटियां हाथ लगाए वो यीशु के नाम से सफल होने पाए पिता। प्रार्थना है प्रभु इन्हें गलत बातों से छुड़ाएं, एडिक्शन से, रॉन्ग रिलेशनशिप से प्रभु, हर एक पाप से इन्हें छुड़ाए परमेश्वर और प्रभु ये तेरी पवित्रता में चलने पाए पिता। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आपने जिसको बुलाया उसके लिए इंतजाम आप करेंगे, जिस तुमने बुलाया प्रभु उसके लिए हर बात का प्रबंध आप करेंगे। हाँ प्रभु आज ये भाई बहन अपने जीवन की किसी भी वस्तु की चिंता ना करें परन संपूर्ण मन से आज समर्पण करें ताकि वो सारी वस्तुएं जो इनके जीवन की नीड है वो इनके लिए पूरी हो सके। थैंक यू जीसस। आज की सुबह में जितने भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग बीमार है पिता, मेरे प्यारे यीशु हमारे चंगा करने वाले प्रभु यीशु इनकी सुधी लें इसी समय प्रभु जी। हम इनकी बीमारियों को एवरी सिकनेस आई रिब्यूक एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं उन सारी बीमारियों को इनके शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ यीशु के सामर्थी नाम से। मेरे प्रभु छू लें और चंगा करें। धन्यवाद यीशु आपने छुआ और चंगा किया, इनकी सारी बीमारी सारा दर्द कोरोना वायरस वायरल
फीवर, जो कुछ भी आज इनके शरीर में बीमारी, वो यीशु के नाम से नष्ट हो गई है। पिता धन्यवाद प्रभु तेरी चंगाई के लिए। सारी बातों में पिता आपको आदर महिमा देते, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। कहते प्रभु हम सबको आप सेफ एंड प्रोटेक्ट करें प्रभु जी, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, दुष्ट की योजनाओं से बचाएं प्रभु। आपके बेटे बेटियों की प्रार्थना का उत्तर दे, इन्हें भी आप प्रोटेक्ट करें, सेव करें परमेश्वर। जो कुछ भी इन्होंने आज आपके सामने प्रार्थना के माध्यम से रखा है यीशु मसीह, आज आप इनके जीवन में उस कार्य को पूरा करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके नाम से आशीषित हों, इनके कर्जे दूर हों, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो, सब कुछ इनके लिए पूरा होने पाए। यीशु तेरा धन्यवाद। सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हैं प्यारे यीशु, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।